मित्र अपनी पांच, पहले वहां भी 5 हजार से शुरू हुआ था, 52 से शुरू हुआ था, फिर 10 हजार, 15 हजार, 30 हजार, मध्य प्रदेश में भी वो बढ़ा तो उत्तर प्रदेश में भी। अब ये कहना अलग है कि मध्य प्रदेश में इनकी संख्या ज्यादा है, ज्यादा भार पड़ेगा, तो इसको तो राज्य समझे। इसीलिए हमें लगता है, कल के डिबेट में भी मैंने कहा था कि इसके तरफ कदम बढ़ा है, और जो रिपोर्ट्स आने वाले हैं वो आने वाले दिनों में, 6-7 महीनों में ये परिणाम में रूप में भी दिखेगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल कल भी कहा था, वही बात आज आपने फिर दोहराई है कि आने वाले 5-6 महीने में एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। लेकिन मेरा प्रयास यह है कि और थोड़ी सी जल्दी आ जाए, जो कम से कम दिवाली अंधकार में जा रही है तो होली तो अच्छे रंगों में सराबोर हो जाए। और इसी के साथ मैं आपसे भी अनुरोध यही करूंगा कि अगर होली तक एक बड़ी खबर मिल जाए तो एक बड़ा समुदाय, 2 लाख लोग यही है, और उत्तर प्रदेश में 70 हजार ग्राम प्रहरी है जिन्हें महज 2500 रुपया मिलता है, जबकि आपके स्टेट बिहार में वो नियमित कर्मचारी हो गए हैं और उन्हें 25 हजार और 30 हजार मिलता है। कई चीजें हैं जो, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य भी है, उत्तर प्रदेश में हर तबके में एक बड़े पोस्ट है। बिहार भी उतना ही बड़ा स्टेट था कुछ समय पहले तक, अब झारखंड की वजह से थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन अन्य राज्यों ने जो सपोर्ट दिया है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश को भी अपने कर्मचारियों का सपोर्ट करना चाहिए। मैं सीधा अश्विनी के पास पहुंचूंगा। अश्विनी मिश्रा जी, आप सोशल वर्कर हैं, लगातार आप भी अपने कर्मचारियों को जो आप अपने साथ रखते हैं उन्हें बोनस देते हैं, लेकिन अनुदेशक शिक्षा मित्र को नहीं मिलता है। बोनस कोई बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट नहीं है, आएंगे रामा देवी अभी आपके पास, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत होती है कि कम वेतन वाले को अगर 1 महीने का वेतन मिल जाता है, कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो उसकी जेब गर्म हो जाती है और वो त्योहार मना लेता है इस महंगाई के दौर में। जी शिवकुमार मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे मौका देने के लिए। और आपने सही कहा है, पहले हमको समझना होगा कि ये जो बोनस का सिस्टम है भारत में, ये कब से चला आ रहा है। ये 18वीं शताब्दी से पहले, 18वीं शताब्दी के समय पर हमारे देश में पहले जो भुगतान होता था किसी के मानदेय का, वो हफ्ता के हिसाब से होता था, साप्ताहिक होता था। फिर अंग्रेजी सरकार ने क्या किया कि उसको मंथली भुगतान में कन्वर्ट कर दिया, तो जो हमारे 52 हफ्ते होते थे वो कुल मिलाकर के 12 महीने कन्वर्ट हो गए, और 4 हफ्तों का वेतन जो है हमारे कर्मचारियों का मारा जाने लगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने ये बोनस का सिस्टम निकाला। ये सिस्टम इतना प्रचलित हो गया कि लोगों के अंदर एक वो भावना बैठ गई कि सरकार जो हमारा देख रेख करता है, जो हमें तनख्वाह देता है, ये उसकी मोरल ड्यूटी बन जाती है कि हमको 1 महीने का बोनस दिवाली पर दे। और ये कल्चर सिर्फ सरकार में ही नहीं, हम लोग अगर अपने 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 जीवन में देखें, जिंदगी में देखें, तो हम लोगों का जो पारिवारिक ढांचा होता है, जिसमें हम लोगों के पहले सगे संबंधी होते हैं, फिर सौतेले होते हैं, फिर पड़ोसी होते हैं, फिर मोहल्ले वाले होते हैं, फिर बाहर वाले होते हैं, इन सब में भी अगर हम देखें, हमारे यहाँ जब 30 त्योहार होते हैं तो हम लोग जो है अपने सगे संबंधियों को किसी न किसी तरीके से उपहार देते हैं, कपड़े खरीद देते हैं, जो कर्मचारी होते हैं उनको बोनस देते हैं। तो ये एक हिंदुस्तान में बड़ी व्यवहारिक चीज बन गई है, बोनस देना दिवाली या होली पर। तो सरकार से भी यही अपेक्षा की जाती है कि सरकार जो जो सरकार से जुड़ा हुआ हो, अरे शिक्षा कर्मियों को अगर सरकार हो सकता है अपना ना मानती हो सकता है इनको अपना मोहल्ले वाला भी ना मानती हो सकता है इनको अपना नौकर भी ना मानती हो सकता है इनको किसी कीमत का ना मानती हो, कम से कम नागरिक तो मानती है। अगर नागरिक मानती है, अगर 16 लाख लोगों को आप बोनस दे सकते थे, तो क्या कुछ चंद शिक्षा कर्मी, 30-35 हजार संविदा कर्मी, शिक्षा मित्र, इन लोगों को अगर आप बोनस दे देते तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। मुझे तो ये भी लगता है मिश्रा जी।